दिस इज नियम एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम जो आरआरबी के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो साइंस या जीएस के पोर्शन जो है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर करीब हम 9,500 के आसपास क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 9,585 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व पेपर होगा ये। और ये बुक जो है आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर करीब देखो, पहले तो हम भौतिक विज्ञान एंड फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे जो कि करीब 211 से 388 पेजेस तक है। तो ये अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसको आप जाकर प्लेलिस्ट में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद बायोलॉजी भी है इसी में। तो इतना अगर आप करते हो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड नेचर के होते हैं और जब आप एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ते चलोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी जैसे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि अलग अलग बंडे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे में क्वेश्चंस रिपीट ही करते, चाहे एसएससी जल हो चाहे फिर सीएचएसएल हो यानी एसएससी के एग्ज़ाम्स या फिर रेलवे के एग्ज़ाम या यूपी में एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे लेखपाल या वीडियो ये सब जिसमें जीएस का पोर्शन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद कंप्यूटर हम देख लेते हैं, ये कंप्यूटर है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा। तो करीब हम 9,500 के आसपास के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन उठाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा रहेगा फिजिक्स का। यहाँ पर आरआरबी के डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में बताया है, तो आप लोग चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर कंप्यूटर सब पोर्शन बताए हुए कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन लेते हैं भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर इसमें है मात्रक, मापक, मापन यंत्र और मापन और मापक यंत्र यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें सबसे पहला सेक्शन हम लेंगे यूनिट का। तो यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैक्यूरेल, ठीक है। रेडियोधर्मिता एसआई का जो यूनिट है वो बैक्यूरेल है और डिफरेंट टाइप के जितने भी यूनिट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे लंबाई का मीटर होता है, किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का समय का होता है सेकंड, और विद्युत धारा जो होता है वो एम्पियर होता है, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ये डिफरेंट टाइप का जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको भी दिखाया गया, लंबाई को यम से और मीटर और द्रव्यमान की जी, समय सेकेंड यस, और विद्युत धारा एम्पियर, तो ए, ताप केल्विन, के पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा सी डी। आगे देख लेते हैं भार यानी वेट का जो एसआई यूनिट क्या होगा, वेट का एसआई यूनिट होता है बी यानी न्यूटन, और फिर इसके बाद ये सेम चीज़ दिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये जो टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ में ऑलरेडी वो पड़ा हुआ था तो इस वजह से उसको मैंने रिमूव करने का मुझे समय नहीं मिल पाया। तो निम्न में से एसआई मात्र कैंडेला क्या होता है, कैंडेला डी यानी ज्योति तीव्रता। अगर आप लोग बताओगे कि टेलीग्राम चैनल कोई बनाना है तो मैं बना दूंगा, बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखो। एसआई मात्र हो जाएगा कैंडेला, ठीक है। कैंडेला किसका एसआई मात्र का, ज्योति तीव्रता भी ऊपर पड़े हैं, ठीक है। संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई जो पद्धति में यूनिट क्या होती है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है पी इज इक्वल टू एम वी, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, और एम यानी होता है द्रव्यमान, और वी यानी वेग, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। तो द्रव्यमान का हो जाएगा के जी और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो के जी इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा,
तो इसका सही ऑप्शन होगा ये बी वाला। ठीक है, किसी भी द्रव्यमान की उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक, पांचवा हो जाएगा यहाँ पर विद्युत आवेश। एसआई मात्रक क्या है, यानी चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, बी ऑप्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण हो जाता है, और इस संचित आवेश को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और इसको खोज जो इसका किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने खोज किया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये होती है दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पार्सेक होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है लाइट ईयर। वन लाइट ईयर इक्वल टू होता है 3.08 × 10^16 मीटर। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसके मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है? तो ये होता है बी, यानी दूरी का। सेम क्वेश्चन, ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। जब आप लोग ये पूरा कर लोगे तो आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मुझे बहुत सारी उम्मीद है इस सीरीज से कि आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा बी, ओम। प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। जार्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ठीक है, फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच में विभवांतर वी के बीच में संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। वी इक्वल टू आई आर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला याद रख सकते हो, विभवांतर यानी वोल्टेज के बीच का डिफरेंस और इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई यानी हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और आर यानी रेजिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता भी होगा, ए हो जाएगा प्रतिरोध रेजिस्टेंस। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किस किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल के मात्रक गुणनफल के बराबर होता है। अब ये डेफिनेशन बता सकते हो किसका है? निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है? ये कार्य की इकाई नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है, किसी पिंड पर लगाए गए जो बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ एस होता है, या फिर एफ डी भी बोल सकते हैं, एफ और बल की दिशा में लगाई गई दूरी। ठीक है, तो तय की गई दूरी डी या एफ डी। डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा यूनिट, क्योंकि एफ का होता है न्यूटन और मीटर हो जाएगा डिस्टेंस का। जूल या केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद ये है लेंस की शक्ति। एसआई यूनिट क्या है? लेंस यानी की शक्ति यानी होता है पावर ऑफ लेंस। एसआई यूनिट हो जाएगा बी, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता, फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी वन अपॉन एफ जो होता है, यानी फोकस जो है उसका व्युत्क्रम जो होता है उसको, उसी को हम बोलते हैं क्या, लेंस की क्षमता बोलते हैं। अगर कभी आपको फोकस दिया हो और उसकी क्षमता पूछी जाए तो वन अपन एफ कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही यूनिट हो जाएगा डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, और इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तु दिखाई देती हैं। ठीक है, उल्टा होता है यहाँ पर। दूर दृष्टि दोष में वैसे ही सेम चीज़ है,
दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, नज़दीक नहीं दिखाई जाती है। निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है उसको दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक और है जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, तो जरा दृष्टि दोष में वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, इसके कारण व्यक्ति को न तो दूर की दिखाई देती है न तो नज़दीक की दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, तो यहाँ पर है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की क्षमता को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो ये हो जाएगा डी क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी ने खोजा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर देख लो रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है, और शक्ति की इकाई एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वाट होती है, पास्कल की हो जाएगी, दाब एम्पियर होती है एसआई पद्धति में, इलेक्ट्रिसिटी की सॉरी। और उद्योग में शक्ति की इकाई सेम क्वेश्चन, तो ये हो जाएगी अश्वशक्ति, नहीं यहाँ पर अश्वशक्ति है, उद्योग में पूछा था ना, इंडस्ट्री में कौन सा हो जाएगा अश्वशक्ति, हॉर्स पावर होती है, और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो यहाँ पे एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 हॉर्स पावर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और शक्ति का इकाई यूनिट आपको पता है वो है वाट। अब यहाँ पर आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पर, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डेसिबल हो जाएगा, ठीक है, डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के द्वारा 45 डेसिबल की ध्वनि जो है मानव के सुनने के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की जो इंटेंसिटी होती है वो मानव के स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं मानव के लिए, ठीक। अब आ जाओ इस क्वेश्चन नंबर 16 पर, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, ध्वनि के जो माप की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी डेसिबल, सेम क्वेश्चन। और ध्वनि प्रदूषण को के पदों में मापा जाता है, तो ये हो जाएगा डी डेसिबल में। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बराबर बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फोर्स का पता है न्यूटन होता है और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल की एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन, शक्ति का एसआई यूनिट हो जाएगा वाट। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व लिखा है, फिर स्वरसो परेड लिखा हुआ है, चुंबक फ्लक्स लिखा हुआ है टेस्ला, वेबर और हेनरी, तो आप लोग यहाँ पर देख लो आंसर इसका, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व हो जाएगा टेस्ला, स्व प्रेरण हो जाएगा हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स वेबर, आप लोग ये याद रखना, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो अपवर्तनांक एक ऐसा यूनिट है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना या कितने अधिक है, ठीक है। और जूल किस में मापा जाता है, किसे जूल में मापा जाता है, तो ये हो जाएगा, सब पता है आपको, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ठीक, ऊर्जा आकार ये सब सारी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फिर आ जाओ तो यहाँ पर यूनिट एक बार फिर से देख लो, ऊर्जा जूल, वेग मीटर पर सेकेंड, बल न्यूटन, शक्ति वाट, दाब पास्कल, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो ये कार्य हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्क्रम इकाई एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में एक मीटर तक लगाने में या फिर एक एम्पियर की विद्युत धारा को एक ओम के प्रतिरोध से एक सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, यानी पावर का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, बता चुके हैं बार बार, ये हो जाता है वाट हो जाएगा, ठीक, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा W/T, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, ठीक है, संचारित होती है। शक्ति की एसआई यूनिट वाट होती है जिसे W दिखा जाता है, और उससे जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया, एक वाट शक्ति एक जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। निम्न के घनत्वों में किसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, ऐसा कौन सा है जिसमें कोई उसकी इकाई नहीं है, तो ये हो जाएगा बी सापेक्ष घनत्व, ठीक है, सापेक्ष रिलेटिविटी डेंसिटी जो होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये देख लो घनत्व होता है kg पर मीटर स्क्वायर। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है,
डेंसिटी किसके बराबर होती है, किसके रेशियो के बराबर होती है? दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और या पास्कल बोलते हैं, ठीक है। पी इज इक्वल टू होता है या फपान ये होता है, ठीक। और या पास्कल बोलते हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, मीटर में दिखाया जाता है इसको। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। 25वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड इकाई होती है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों होती है? क्यू इक्वल टू आई टी होता है, क्यू यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, आई यानी हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और टी यानी टाइम। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है एम्पियर, टी मतलब सेकेंड, तो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू चार्ज। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। नहीं नहीं यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, आयतन नापा जाता है इसे, तो गैलन से, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, एक गैलन में हो जाएगा 3.785 लीटर होता है, ठीक। आप लोग गांव वगैरह में क्या है कि आयतन को मापने के लिए गैलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मतलब बड़े बड़े जहां पर भी वॉल्यूम में चीज़ों को नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, तो वहां पर होता है इस्तेमाल किया जाता है इसको। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी यानी बहुत बड़ी बड़ी दूरियों के इस्तेमाल की जाती है, तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है। वन लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, वन लाइट ईयर इक्वल 9.46 × 10^15 मीटर, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इससे मुख्यतः लंबी दूरियों या दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस यानी होता है प्रतिरोध, ठीक है। उसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम। अब इसका ये फिर आप लोग देख लीजिएगा, यूनिट ऊपर डिस्कस किया जा चुका है सारा। दबाव यानी प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू क्या बताए थे अभी, यफ पाने, यफ पाने मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। सेम चीज लिखा हुआ, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताया जाता है, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में दिखाया जाता है, और एक खगोलीय इकाई होती है 1.495 × 10^11, ठीक है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 × 10^11। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी मीन डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बल की इकाई क्या है? बल की फोर्स, फोर्स का इकाई क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू एम में, एम हो जाएगा केजी और एज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला, ठीक है। बाकी सब है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, प्रेशर पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस होता है, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है। अब यहाँ पर एसआई यूनिट यहाँ पर देख लो, तो विस्थापन के एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट के तो मीटर होता है, पढ़े हो। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर। यहाँ पर ये देख लो, जल्दी जल्दी याद कर लो, ये हो जाएगा धारिता का होता है फैराड, ठीक। ये सारे वैज्ञानिक का नाम है। प्रेरकत्व जो होता है
ये हो जाएगा हेनरी द पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट एसआई यूनिट क्या है, शक्ति यानी हो जाएगा वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो एक जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है, एक जूल बराबर 10^7 आर्ग। जी का मान, जी के मान की एक इकाई वह है जो कि एस आई इकाई है, हो जाएगा त्वरण। जी भी जो होता है वो एक गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल जी को इष्ट गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। और त्वरण जो होता है वो भी एक तरीके का त्वरण ही है, त्वरण तो त्वरण ही होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसका यूनिट होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है पृथ्वी पर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अभी आप लोग ये बताइए कि अलग अलग स्थानों पर क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है या फिर सेम होता है, एक ही वैल्यू होती है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या होगी, तो किसकी एसआई यूनिट है, तो ये आपको बताना है। अब आप लोगों को पता है दबाव का क्या होता है, दबाव यानी प्रेशर, प्रेशर का होता है पी इज इक्वल टू एफ अपान ए यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और संवेग का आपको पता है पी इज इक्वल टू एमवी होता है, यानी एमवी यानी क्या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है, तो ये भी त्वरण जो होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, सी वाला भी नहीं होगा। डी वाला जो ऑप्शन है वो फार्मूला होता है जी एम वन एम टू, कैपिटल जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, इसी से निकलता है कैपिटल जी की वैल्यू, तो इससे जो निकलेगा ऑप्शन नंबर डी का आंसर निकलेगा, ठीक। तो एन एम स्क्वायर के जी आप पर के जी स्क्वायर सार्वभौमिक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है, और यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो 6.67 न्यूटन टू द पावर -11 होता है। हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। एक इसका वीमीय सूत्र होता है m-1 L3 t^-2। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर ए होता है ओम इंटू मीटर। यहाँ प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ की कौन सी प्रकृति है और उसका टेम्परेचर कितना है इस पर डिपेंड करता है। तो R इक्वल टू हो जाएगा L अपान A इंटू रो, ठीक है। R यहाँ पर होता है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, L लंबाई, A एरिया, और रो होता है कॉन्स्टेंट, और चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, याद रखिएगा। भार की एसआई इकाई की एसआई इकाई के बराबर होती है सी बल, यानी बल बराबर भी न्यूटन होता है और भार बराबर ही न्यूटन होता है, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, और ये होता है एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए, दोनों का ए और जी तो दोनों सेम ही है ना, दोनों का यूनिट सेम ही होगा, बाकी यम दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से इसका यूनिट जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है चाल, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी चाल यानी स्पीड, चाल यानी वेलोसिटी थी बोलते हैं, ठीक है। स्पीड जो होती है वो स्पीड ही बोलते हैं, साथ ही स्पीड स्पीड बोलते हैं चाल को। और निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो आपको बताना है, ये ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा, क्योंकि बल और पिच दोनों एक ही बल है, बल तो बल का यूनिट सेम ही होगा ना, तो न्यूटन दोनों का होता है। और डी वाला ऑप्शन बल और भार अभी ऊपर पड़े हैं, यहीं पर ऊपर पड़े थे ना, दोनों का सेम हो रहा था बल और भार का, तो ये भी सेम ही होगा। दाब इज इक्वल टू पास्कल, भार बल उत्पेच हो जाएगा न्यूटन, या के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गति हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में इसकी सी एस आई यूनिट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्वरण। त्वरण एक्सेलरेशन एस आई यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, एस आई इकाई जूल पर सेकेंड है, तो 45 का हो जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसकी इकाई जूल पर सेकंड होती है। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर इज इक्वल टू
वर्क अपॉन पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, याद रखिए ये चीज। और न्यूटन के मापन की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी बल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, और फिजिकल टीएम में होता है। किसी वस्तु की लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान या त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या फिजिकल क्या हो जाएगा, एम में हो जाएगा, ठीक। शक्ति का मात्रक वाट होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, एसआई यूनिट न्यूटन है, किसका एसआई यूनिट न्यूटन है, तो ये हो जाएगा वजन और बल, वेट और जो फोर्स होता है दोनों का न्यूटन ही होता है। बल व बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, एक सदिश राशि है, याद रखिएगा एक सदिश राशि है बल, इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल भार या वजन एम जी, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण जी, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम, इसका मान जगह के स्थान बदलता रहता है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है, एक सदिश राशि है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी आवेश बराबर टाइम, क्यू अपॉन टी हो जाएगा। एम्पियर किसका एसआई यूनिट है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत धारा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पर, हम 50 पर ही यहाँ पर रोकेंगे, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में हम 51 से शुरू करेंगे 100 तक, छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे तो आपको भी देखने में आसानी होगी, बाद में मैं सारे वीडियोज को कंपाइल कर दूंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, तो वोल्ट किसका यूनिट था, तो ये विभवांतर का था, कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, इसका मापन ओम के नियम के अनुसार किया जाता है, अर्थात विभवांतर प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा वी से व्यक्त करते हैं।